गाइज वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपनी आरपी और लास्ट वीक के मेरे सारे कंप्लीट हो चुके हैं मिशंस। तो ये देखें मेरी 40 आरपी हो चुकी है और ये है लास्ट वीक 4 और इसमें सारे मेरे मिशंस कंप्लीट हो चुके हैं सिर्फ एक को छोड़ के, जो कि है किल 6 एनिमीज विद बोल्ट एक्शन राइफल इन एरेंजल इन क्लासिक मोड। तो ये 6 किल करने हैं मुझे बोल्ट एक्शन राइफल से, यानी कार 98 या M24 जो भी इनमें से मिल जाए, और एक मोसन नागंत राइफल होती है जो कि काफ़ी रेयर होती है वो हो जाए, और ये 3 मैप्स में आप कर सकते हैं एरेंजल, मीरामार और सनॉक। तो ये मेरा रहता है, तो मैं ये जो स्नाइपर राइफल्स इनके साथ ज़्यादा ठीक नहीं हूँ तो ये मैंने छोड़ दिया अभी के लिए, बाद में कर लेंगे इसको। और बाकी जितने भी मेरे सारे वीक्स के मिशंस हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे हो चुके हैं। डिफीट 15 एनिमीज इन अरूम और रूफटॉप इन क्लासिक मोड। 15 बंदे माने थे किसी भी घर के अंदर या किसी रूफटॉप के ऊपर अगर आप राइश कर रहे हैं, तो ये घर के अंदर जो है कैंपर छुपे होते हैं तो वहाँ पे आप जाके मार सकते हैं अगर आप प्रो बंदे हैं। अगर आप मेरी तरह हैं जो कि बॉट किलर हैं, तो आप ये एक ट्रिक कर सकते हैं कि आप ऐसी जगह उतरे जहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे पक्का बॉट्स ही आते हैं, कोई रियल एनिमीज नहीं आते, तो वहाँ पे जाके आस पास कोई घर देख लें, वहाँ पे डोर ओपन रख के आप घर के अंदर चले जाए और बॉट जो है वो आपके खुद ही पीछे आ जाएंगे। अगर आपको कोई खुले में अगर बॉट मिलता है तो आप उसको आहिस्ता आहिस्ता वो आपके पीछे आता है, जैसे भी आप छुपते छुपते भागते भागते मकान के अंदर जाएंगे, घर के अंदर जाएंगे, तो ये बॉट जो है वो आपका पीछा करते हैं, सिंगल फायर देते देते वो आपके पीछे आ जाएगा। तो जैसे वो घर के अंदर जाएगा, गेट के अंदर आते ही उसको वहीं पे खत्म कर देना है, आपको किल कर देना है, उसका खेल तमाम कर देना है, तो वो आपको एक किल मिल जाएगा। तो ऐसे ही आपने 15 किल करने, कोई इतना ये डिफिकल्ट नहीं है। ये देखे मैंने कम्प्लीट कर लिया, चेक आ गया कलेक्ट। और अगला है यूजी के साथ आपको किल करने 12 बंदे मारने हैं क्लासिक मोड के अंदर या मिशन इग्निशन के अंदर, तो ये भी काफी इजी है। यूजी जो है क्योंकि काफी जबरदस्त गन है, तो उसके साथ आप जल्दी जल्दी बंदे को मार सकते हैं। अगर आपको ये भी डिफिकल्ट लग रहा है तो इसका एक और ऑप्शन यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, एलिमिनेट 100 एनिमीज विद द यूजी इन एरेना। तो ये एरेना में और भी ज्यादा जो है इजी हो जाता है, तो मैंने ये एरेना में किया है, 100 किल किए। तो आप एरेना में आपका जो टीम डेथ मैच होता है TDM, उसमें काफी इजी हो जाता है। आप यूजी सेलेक्ट कर लें, अगर आपकी अनलॉक नहीं हुई है तो आपको वो लेवल पहले करने पड़ेंगे, ईवो लेवल, तो फिर जाके आपकी यूजी अनलॉक होगी और उसके साथ आप 100 किल करके इजीली आप इस मिशन को कर सकते हैं। तो ये इजी है, इतना मुश्किल नहीं है 100 किल करना। अब कुछ लोग सोचते हैं कि 12 किल करने के बजाय हम 100 किल क्यों करेंगे, तो 100 किल आप कर सकते हैं 5-6 अगर आप TDM मैचेस खेलते हैं तो उनमें आप कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि TDM में बार बार आपको चांस मिलता है किल डेड होने के बाद, किल जब तक आपके आपकी टीम के या आपके ओपोनेंट टीम के 40 किल नहीं हो जाते या टाइम ओवर नहीं हो जाता, तब तक आपके पास चांस है कि आप 10 या 20 किल कर सकते हैं। तो ये काफी इजी है, अगर आप एक मैच में 20 किल करते हैं तो आपको 5 मैचेस में आपके इजीली 100 किल्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा खुद ही। या अगर 5-10 भी करते हैं तो फिर आपको ज्यादा मैचेस खेलने पड़ेंगे, तो ये भी इजी है। पिकअप स्नो स्मोक ग्रेनेड इन 15 मैचेस इन क्लासिक मोड और मिशन इग्निशन। तो ये सारे कंप्लीट करने के लिए आपको अभी भी 2-3 दिन आई थिंक है अगला सीजन आने में, तो ये आप कर सकते हैं इजीली। मैंने तो बहुत जल्दी वीक के पहले 2-3 दिनों में ये कर लिए थे, तो काफी इजी है। तो मुझे किसी का मैसेज आया हुआ था कि यार ये 15 जो है रूफ टॉप वाला ये काफी मुश्किल है, तो अगर आपको मिशन करना है तो फिर आपको रश गेम को बोलना पड़ेगा। अगर आपको पॉइंट्स चाहिए, आपको करना है मतलब टीयर आपने हाई करना है, क्या कहते हैं डायमंड, जैसे मैंने अभी डायमंड किया और मेरे पास ये कपड़े और ये गन की स्किन आ गई है ऑग A3 की, तो फिर आपको ये रश गेम प्ले भूलना पड़ेगा। मैं देखता हूँ कि सारे पचिंकी में जाके मिशन कम्प्लीट करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे जैसे ही उतरते हैं मर जाते हैं, तो वो फिर कहते हैं कि नहीं होता है भाई, तो साइड पे उतरो, सेफ जगह पे उतरो। जो लोग होते हैं ना कैंपर्स, वो लोग मिशन करने के लिए आए होते हैं और उनका ये नहीं होता कि इतने किल करने हैं इतना कुछ, तो रैंक पुशर्स जो होते हैं वो हमेशा कैंपिंग करते हैं, रश नहीं करते।
सकते, तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो स्मोक ग्रेनेड का देख लेते हैं, ये जो है 15 मैचेस में आपको अगर आप एक ग्रेनेड उठा स्मोक ग्रेनेड उठा दें, स्मोक वाला जिसे आप स्मोक करते हैं वो वाला, तो आप 15 मैचेस में अगर उठाते हैं तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने स्मोक के लिए ऑटो पिकअप ऑन रखा हुआ है तो वो एक ही मैचेस में 15 उठाएंगे तो नहीं, वो एक ही काउंट होगा। तो ये लिखा हुआ है मैचेस, 15 मैचेस में आपको एक एक ग्रेनेड उठाना है स्मोक ग्रेनेड, तो आपका ये हो जाएगा। इसके भी पॉइंट्स मिलते हैं, तो इस ये सब पॉइंट मिला के मेरे अभी 40 आरपी हुई है ये मिलते हैं। कुछ होते हैं जो 150 जो आरपी होती है आरपी पॉइंट्स होते हैं वो वाले नहीं मिलते, और ये 75 वाले तो ज़्यादातर मिल जाते हैं पॉइंट्स। तो अगला हमारा है हिट प्लेयर्स विद द फार्मस 80 टाइम्स इन क्लासिक मोड। तो ये हिट 80 टाइम्स फार्मस करना है, ये सिर्फ लिवेक में मिलती है आपको, मेरा नहीं ख्याल कि ये और किसी क्लासिक मैप में मिलती है, जैसे कि रेंजल वगैरह में मीरामार नहीं मिलती है। ये फार्मस जो है लिवेक में आपको मिल जाएगी इजीली, आप किसी साइड पे उतरते हैं किसी जगह पे मकान के अंदर इजीली मिल जाएगी, ये कोई इतनी रेयर गन नहीं है, और इसके ऊपर फार्मस लिखा हुआ होगा आपको पता चल जाएगा। तो ये हिट करना है, 80 किल नहीं करना है, इसको हिट करना है, मतलब आपके आगे अगर एक बंदा है उसको जितनी ज्यादा गोलियां हिट करेंगी और वो मरेगा, तो ये जरूरी नहीं कि आपने उसको किल किया है कंप्लीट किया है तो ही आपको मिलेंगे, सिर्फ उसको गोलियां हिट करनी है, फार्मस गन से वो निकली होनी चाहिए तो ही आपका कंप्लीट होगा। तो ये है थोड़ा डिफिकल्ट ये वाला है, क्योंकि अगर आप एक बंदे को मारते हैं तो हो सकता है आपको 5-10 हिट्स ही मिले, तो फिर आपको तकरीबन कुछ 6-7 बंदे किल करने पड़ेंगे फार्मस गन से, फिर ये हो जाएगा। तो मेरा ऐसे ही हुआ था। फिर उससे अगला है फ्रेंड्स फिनिश इन द टॉप 3 विद फ्रेंड्स 3 टाइम्स इन क्लासिक मोड। तो ये आपको किसी भी क्लासिक मैप में जाना है और उसमें टॉप 3 पे आना है, तो ये अपने फ्रेंड के साथ जो भी आपके एडिड हैं आपकी गेम के अंदर, तो उनको उनके साथ मैच लगाएं और 3 बार बस आपको टॉप 3 में आना है, मतलब आखिरी स्क्वाड आखिरी 2 स्क्वाड बचे हुए हैं और तीसरा स्क्वाड आपका हो, भले ही आप अकेले बच जाएं आपका दोस्त मर जाए, तो आप अगर खुद टॉप 3 में आते हैं तो फिर ये आपका काउंट हो जाएगा। ये भी काफ़ी ईजी है, ये तो मेरा बहुत जल्दी हो गया था। तो अगला है यूज़ S686, मतलब ये शॉर्ट गन्स हैं उनकी 3 जो आपको यहाँ पे किस्में मिलती हैं, तो इनमें से जैसे कि S1897 ये मेरी फेवरेट है, और ये जो S686 है तो ये इसमें से दो गोलियों वाली एट अ टाइम 2 गोलियां आप फायर कर सकते हैं, ये वो वाली है, और ये जो S1897 है इसमें से 5 गोलियां आप एट अ टाइम फायर कर सकते हो। तो ये जो है दोनों जो है ये ज़बरदस्त गन है, लेकिन ये जो सेंटर वाली है ना इसके भी मुझे पॉइंट्स नहीं मिले, देखो यहाँ पे अभी तक कलेक्ट लिखा हुआ आ रहा है। तो ये पॉइंट मैंने जैसे कि आपको कहा था कि 125 वाले के नहीं मिलते पॉइंट्स, तो फिर भी मैंने चलो मिशन कर दिया, ये मिशन काउंट हो गया कि हो गया है, लेकिन ये क्योंकि मैंने यूसी बाय नहीं की हुई तो ये इसलिए कलेक्ट नहीं होगा। तो इससे आपको सिर्फ 4 बंदे मारने हैं, तो ये काफ़ी ईजी है, ये भी बॉट के साथ आप कर सकते हैं। इन क्लासिक मोड विद पिक अप द फ्लेयर गन इन 6 मैचेस एज अ स्क्वाड, ये आपको स्क्वाड मैच में खेलना है, यानी 4 बंदे आपकी टीम 4 बंदों की टीम जो होती है स्क्वाड उसमें खेलना है और ये फ्लेयर गन उठानी है। तो ये आप मिलिट्री बेस में जा सकते हैं, वहाँ पे से फ्लेयर गन मिल जाती है, या फिर ये जो जहाँ पे कंटेनर्स वगैरह होते हैं वो मैं नाम भूल गया हूँ उस जगह का, पता नहीं क्या नाम था, तो ये वहाँ पे आप जा सकते हैं नोवो में और ऐसी जगह पे वहाँ पे फ्लेयर गन मिल जाती है आसानी से। तो ये यूज्ड अगर आपको किसी बंदे को मारा है उसके जो है पास उसकी जो पेटी होती है उसमें लूट में से अगर आपको मिल जाती है फ्लेयर गन तो भी ये आपका हो जाएगा, क्योंकि पिकअप करना है ये चलाने का नहीं है, सिर्फ पिकअप करने का, 6 मैचेस में आपको 6 उठानी है। तो ये भी मेरा यहाँ पे आप देख सकते हैं हो चुका है, ये काफ़ी इजी मिशंस थे इस वीक के लास्ट वीक के। तो ये वाला सिर्फ मेरा रह गया, ये मैं कोशिश करता हूँ कंप्लीट करने की, क्योंकि मैं स्नाइपर्स के साथ ज़्यादा इजी नहीं हूँ तो इसलिए मैंने ये छोड़ दिया लास्ट में। तो आप भी कोशिश करेंगे सबसे पहले वो वाला करें जो इजी है सबसे, और जो डिफ़िकल्ट है उसको लास्ट में रहने दें, ताकि ये ना हो कि आपके जो इजी वाले हैं वो मिशन या आपका वो क्या कहते हैं सीजन कंप्लीट हो जाए ख़त्म हो जाए तो ये आपके सारे के सारे जो है रह जाएं। तो डिफ़िकल्ट जो होते हैं ज़्यादा किल्स वाले वगैरह ये आप लास्ट में रख सकते हैं। तो ये था इजी, ये आप देख सकते हैं कि मैंने ये टीयर भी आप मेरा देख सकते हैं डायमंड पहुंचने के बाद मैंने बंद कर दिया
स्क्वाड में, क्योंकि उसके बाद मैंने चाहता कि ये मेरे माइनस हो जाए पॉइंट्स और मैं दोबारा से प्लैटिनियम में आ जाऊँ। तो अगले सीजन का मैं क्राउन में जाने का ट्राई करूंगा, तो देखते हैं अगले सीजन में क्या क्या मिशन आते हैं। आरपी मिशन काफी जबरदस्त होते हैं। तो ये वाली गन की स्किन मिली है मुझे, और ये वाले मुझे क्लॉथ्स मिले हैं कपड़े, और ये वाला मुंह का ये मास्क, और ये मेरे इसी के साथ ही ये कंप्लीट हो गया सारा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर देना, और अगले सीजन की किसी वीडियो में मिलते हैं। और सर्वर का भी कुछ करते हैं यार, SMP का। फिलहाल मैं उसमें खेल नहीं रहा, ज्यादा कुछ नहीं कर रहा चीजें, बहुत कुछ करना है उसमें, तो वो भी करेंगे बहुत जल्द। फिलहाल ये पबजी का टीयर वगैरह कंप्लीट करते हैं। ये मुझे ये जो बेसिकली अपनी आईडी मैक्स करनी है, तो इसलिए मैं इसको मैक्स कर रहा हूँ। आरपी मिशंस वगैरह और बाकी चीज़ें अचीवमेंट्स वगैरह पे जोर दे रहा हूँ फिलहाल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।